हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कमोडिटी। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉपर के मे फ्यूचर्स मार्केट में करेंटली किस तरह से ट्रेड हो रहे हैं और आपको इस नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर आपको किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है इन कॉपर मे फ्यूचर्स। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो अच्छी खासी रैली जो इधर थी, रैली आप देख सकते हैं, ये जो पॉजिटिव जो सेंटीमेंट वाले जो लेवल्स थे वो हम अभी ड्रॉ कर लेते हैं इधर के, किस तरह के लेवल्स आपको देखने को मिले थे। और उसके बाद एक अच्छी खासी शार्प सेलिंग भी आप कह सकते हो कि बहुत ही अच्छी खासी सेलिंग आपको ये जोन से बाहर आते हुए देखने को मिली। ऑल दो यहाँ पर भी अगर आप चाहते तो आप इसके अंदर शॉर्ट पोजिशन ले सकते थे, बट अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए थोड़े बहुत होल्ड करते हो मेरे हिसाब से आपको, या फिर आपका जो स्टॉप लॉस है वो आराम से इधर या फिर नियर बाय यहाँ पर आराम से हिट हो जाता। बट सेकेंड टाइम जब ये जो डाउनवर्ड का जो मूवमेंट है, अगर जैसे ही उसके पास आया एक अच्छा शार्प मूवमेंट आपको सेलिंग के अंदर आपको जरूर देखने को मिला, और उसके साथ साथ में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने भी यहाँ पर हमको सपोर्ट दिया कि यहाँ पर आप आराम से फ्री फॉल के साथ शॉर्ट पोजीशन में आप आराम से पैसा कमा सकते थे। 1 आवर की टाइम फ्रेम हमने यूज किए, ऑल दो बीच में थोड़े बहुत बुलिश मूवमेंट्स आपको जरूर देखने को मिले, बट एट द एंड एक शार्प सेलिंग के थ्रू क्लोजिंग हुई है नियर बाय इसकी 741.65 के नियर बाय। सो आप अभी क्या अज्यूम कर सकते हो कि किस तरह का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। सो टू बी क्लियर, आप देख सकते हो कि क्लियरली जो लास्ट की जो 1 आवर की टाइम फ्रेम की जो कैंडल्स बनी है वो बनी है बुलिश। सो मेरे हिसाब से जब मंडे को ओपन होगा कॉपर मे फ्यूचर्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत बुलिश मूवमेंट के साथ इसके अंदर स्टार्ट जरूर आपको देखने को मिल सकता है, बट आपको ट्रेड तभी लेना है जब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अच्छी तरीके से ब्रेक करें, बिकॉज ये जो डाउन लेवल पर है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर अच्छी खासी ओपनिंग जरूर होगी, और क्या पता ये अच्छी तरह से सस्टेन करके अच्छे ऐसे मोमेंटम में क्लोज भी करे। बट आपको ध्यान रखना है कि जब तक MACD हमको सिग्नल नहीं देता हो बाय करने का, तब तक आपको इसमें लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है, एज वेल एज शॉर्ट की पोजीशन भी आपको इसके अंदर देखने को मिल सकती है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट अगर सेलिंग प्रेशर जो आप देख सकते हो कि लास्ट सेशन में किस तरह का सेलिंग प्रेशर आपको वॉल्यूम में क्लियरली देखने को मिल रहा है, बट आप देख सकते हो ऑन द बाय साइड भले ही कैंडल्स अच्छी खासी लॉन्ग जरूर बनी है, बट बाइंग प्रेशर इतना ज्यादा नहीं था डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट ऑफ द सेलिंग प्रेशर। सो सिचुएशन दोनों साइड हो सकती है, या फिर अगर आप पर आपको जो मेन जो होगा वो होगी ओपनिंग कॉपर की, जो कल की ओपनिंग होगी उसके ऊपर डिपेंड होगा कि मार्केट दैट इज कॉपर के जो मे फ्यूचर्स है उसमें आपको किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो होप करता हूं कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, एज वेल एज ट्रेडिंग के लिए आपके लिए मददगार रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय।